ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षूरमिलितम येना तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री चैतन्य चैतन्य अंत चैप्टर नाइन चैप्टर का शीर्षक है गोपीनाथ पटनायक का उद्धार चैतन्य चरितम में एक दिव्य ग्रंथ है हम लोग बहुत ही बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इस ग्रंथ को हम पढ़ पा रहे हैं सुन पा रहे हैं गुरु परंपरा क्योंकि इसमें व्यवहारिक बातें लिखी हैं कि कैसे भगवान ने जो फिलॉसफी दी गीता के माध्यम से भागवतम के माध्यम से उसको जीवन में उतारते हैं तो क्या क्या दिक्कतें आ जाती हैं क्या क्या विचार आ जाते हैं कैसे कैसे डेविएशन हो जाते हैं कंटिन्यूसली हमें ऐसे एग्जाम्पल्स मिल रहे हैं हमने सुना था छोटा हरिदास रामचंद्रपुरी और अब गोपीनाथ ना उन्हें ऐसे कितने वल्लभ भट्ट तो ये वो समस्याएं हैं जब हम भक्ति करते हैं तो हमारे बीच में आती हैं सब भक्ति उठा अनर्थ एक अनर्थ तो हमारे जीवन में भक्ति करे के बिना है इंद्रिय तृप्ति के अनर्थ बड़ा भयंकर लेकिन उससे छूटने के प्रयास करने के बाद भी हमारे जीवन में भक्ति करते हुए कुछ अनर्थ आते हैं कुछ कुछ आते रहते हैं जिसके बारे में हम अक्सर सुन रहे हैं द्वेष निंदा मान सम्मान ये और भक्ति करते हुए इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छाएं रखना तो इसके एग्जाम्पल्स हम सुन रहे हैं एक के बाद एक इन कथाओं में तो ऐसी एक और कथा जिसमें एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हमें और मिलेंगे गोपीनाथ पटनायक आगन्य धन्य चैतन्य गणानाम नाम प्रेम बनयाधन्य जन स्वांत मरुश्वन धनु पताम श्री चैतन्य महाप्रभु के असंख्य गौरवान्वित अनुयायियों के ने अभागे जनों के मरुस्थल जैसे हृदयों में भावमय प्रेम की बाढ़ ला दी मरुस्थल किसी को संतुष्ट नहीं कर सकता क्योंकि वहां पे जल नहीं होता रेगिस्तान डेजर्ट घूमने जाते हैं लोग वहाँ पर बड़ा अच्छा लगता है लेकिन यहीं वहीं पर अगर उन्हें रहने को छोड़ दिया जाए आ, वैसे ही भौतिक जगह देखने में अट्रैक्टिव लगता है वैसे वो मरुस्थल देखने में उसकी रेत स्मूथनेस, अच्छी लगती है वास्तव में भयंकर जगह है जहाँ पर साधारण कोई भी इंसान जी नहीं सकता है जानवर नहीं जी सकता है पौधे नहीं जी पाते है। ड्राई है दिखावा है उसी तरह से इस संसार में हृदय जो है हमारे मरुस्थल जैसे हुए हैं वो खुद तो सूखे हैं जो भी उनके पास में आसपास आता है वहां पर वो सूख जाता है होटों में पपड़ी पड़ जाती है ऐसे लोगों के साथ रहकर जिनका हृदय मरुस्थल जैसा है उनके हृदय में प्रेम नहीं है वासनाएं हैं काम इच्छाएं हैं है, संसारिक भोग करने की इच्छा है वो हृदय वास्तव में मरुस्थल जैसा है खुद भी ड्राई ही है खूब प्रयास कर रहा है उसको अपने आप को गीला करने का लेकिन हो नहीं पा रहा है हुँ? तो मरु मरुस्थल जैसे हृदयों में भावमय प्रेम की बाढ़ ला दी हम्म जय जय श्री चैतन्य कृष्ण जय जय श्री कृष्ण चैतन्य दयामय जय जय नित्यानंद करुणा हृदय भगवान और भगवान के भक्त इतने दयालु हैं कि उन्होंने इस मरुस्थल जैसी जगह में पानी भर दिया है और सबके हृदयों को तर कर दिया एकदम तो ऐसे कृपालु अवतार चैतन्य महापुरु की जय हो भगवान नित्यानंद की जय हो जिनका हृदय सदैव करुणा पूरित रहता है जया अद्वैत्याचार्य जय जय दयामय जय गौरव भक्त गण सब रसमय श्री अद्वैत आचार्य की जय हो जो अत्यंत दयामय हैं श्री चैतन्य महाप्रु के सारे भक्तों की जय हो जो दिव्य आनंद से सदैव अभिभूत रहते हैं दिव्य आनंद इस जगत का आनंद नहीं होता जब भी वर्ड आता है दिव्य ट्रांसेंडेंटल तो ट्रांसेंडेंटल मतलब नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड भगवान दिव्य है भगवान की भक्ति दिव्य है भगवान के भक्त भी दिव्य बन जाते हैं जो जब दिव्य बन जाता है ट्रांसेंडेंटल इसका मतलब वो गुणों को लांग जाता है इसलिए उसका आनंद दिव्य आनंद है इस संसार में जो ढोल बाजे पे नाचते हुए दिखते हैं वो आनंद भौतिक आनंद है वो स्वास्थ्य आनंद नहीं है वो एक छल है ऐसा हमें प्रतीत होता है कि हम आनंदित हैं तो दिव्य आनंद होता है जो इस संसार का नहीं है जो तो इस संसार के आनंद आप जानते हैं आहार निद्रा भय मैथुन ये ही संसार के आनंद है सोना एक जबरदस्त आनंद है आप जानती हैं हम सब जानती हैं कितना मुश्किल है कई बार हम कहते हैं मॉर्निंग में नहीं उठा जा रहा है मॉर्निंग साधना नहीं हो रही है तो इसमें क्या है इसमें हमारा मन ही हमें रोकता है जबरदस्त तरीके से उठने से तो ये निद्रा आहार अत्याहार आहार बढ़िया खाना मैथुन जानते ही बताने की जरूरत नहीं है किसी को ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं पड़ती है इन चीज़ों के लिए भाग रहा है जीवे लालसाई थी होती धाए भाग रहा है इन चीजों के लिए और भय के अंतर्गत तो वो पता नहीं क्या क्या नहीं कर रहा है वो घर बना रहा है घर को बहुत मजबूत कर रहा है फिर और बना रहा है फिर कार खरीद रहा है और मजबूत कार खरीद रहा है वो कर इसमें सेफ्टी फीचर्स ज़्यादा है इसके अंदर और ज़्यादा है इसके अंदर और ज़्यादा है उसके चक्कर में बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा करता जा रहा है तो ये जो है ये आनंद नहीं है हालांकि संसार इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है हाउ टू डू दिस बेटर हुए जो भी इसको बहुत अच्छा कर पा रहा है उसको सक्सेसफुल बोला जाता है बड़ा <laughs> आहार निद्रा भय मैं तुम जो इसको बहुत अच्छे से कर पा रहा है ही इज अ सक्सेसफुल पर्सन उसी डेफिनेशन है और इस डेफिनेशन के चक्कर में हमें लगता है हम ऑड वन आउट ना हो जाए कहीं हम नहीं कर पा रहे हैं तो हम फेलियोर वी आर अ फेल्योर तो दिव्य आनंद जो है वो इटरनल रहता है आ, ये आनंद क्या करता है आपको संसारिक आनंद ये आनंद आपको आम, एक तरह से मृग तृष्णा की तरह है जैसे एक मृग जो है देखता है अगेन रेगिस्तान में कि पानी है वो भागता है पानी की तरफ लेकिन वह पानी होता नहीं है उसको मिराज बना होता है फिर आगे जाता है फिर देखता है पानी है फिर देखता पानी नहीं है और इस प्रकार भागते भागते वो मर जाता है या हम और सोलते हैं कि कस्तूरी मृग जिसके अंदर से खुशबू निकलती है लेकिन वो ढूंढता है कहाँ पर आई कहाँ पर आई उसके पीछे भागता इधर उधर भाग ढूंढ ही रहा है वो खुशबू को लेकिन उसके अंदर उसको पता नहीं चलता और इस प्रकार वो भी मर जाता है तो अगर हम अंतर्मुख हुए इंट्रोस्पेक्ट करें जैसे तो भगवान गीता में बोलते हैं वही व्यक्ति सुखी रह सकता है जो अंतर में ही सुख ढूंढता है अंतर में सुख ढूंढने का मतलब है इस नॉलेज में कि सुख है कहाँ मैं एक आत्मा हूं ये सारे दिव्य सुख कहलाते हैं तो चैतन्य महाप्रभु के भक्त दिव्य आनंद की खोज करते हैं भक्तों को इन आनंद की खोज नहीं करनी चाहिए भक्ति माने के बाद क्योंकि दिव्य नहीं है ये भौतिक आनंद है ध्यान रखिए आर निद्रा भय मैथुन जानवरों के आनंद है इससे रिलेटेड कोई भी आनंद है अच्छा कपड़ा पहनने की इच्छा अच्छा खाने की इच्छा ये कौन सा आनंद है भौतिक आनंद ये भौतिक आनंद हमें कष्ट देते हैं रिएक्शन खड़े करते हैं इसलिए यदि आपको दिव्य हम सबको आनंद चाहिए ये बात तो सबको पता है मजा आना चाहिए बट अगर आपको वो दिव्य आनंद हम करें सिर्फ दिव्य आनंद के लिए प्रयास करो संसार के आनंद के लिए यही तो बोला और क्या बोला हम नहीं कह रहे कि आनंद छोड़ दो आनंद में ओ अभ्यासात दैट इज द नेचर ऑफ द सोल टू सीख प्लेजर बट वो प्लेजर आहार निद्रा भय मैथुन में नहीं मिलेगा ऑल दो वी आर द डि वी आर डिवोटीज हमने इसको बहुत सुना है हम जानते हैं हम तो नहीं ऐसे वी आर नॉट लाइक एनिमल्स ये संसारिक लोगों के लिए है लेकिन वास्तव में हमारी खोज जो है प्लेजर हंट हमारी भी भक्ति के आने के बाद भी इन्हीं चीज़ों में जर्नली हो जाती है हुँ? कैसे हाउ टू लिव बेटर घर कैसे बढ़िया हो hmm. किचन कैसे बढ़िया हो क्यों राधा रानी की किचन है अरे राधा रानी की किचन है तो उसमें अच्छा और शुद्ध बनाइए ये किसने कहा कि उसका अंदर बढ़िया सा सारे आइटम्स बढ़िया लगे होने हाँ। चाहिए अप्लायसेस होने चाहिए चाहे हमारे पास कुछ है या नहीं है बड़ी होनी चाहिए तो ये सोचने के विचार है कि हमें दिव्य आनंद के लिए प्रयास करना है वरना कुछ मिलेगा नहीं हाथ में नहीं आएगा संसार में जो भी मिल जाएगा ना मिलने के बाद दो दिन बाद वो चीज पुरानी हो जाएगी एंड उसमें आनंद नहीं रहेगा चाहे वो नया कपड़ा हो नया घर हो नई कार हो नई कोई आइटम आपने खाई हो मल बन के निकल जाएगी इसलिए दिव्य आनंद के लिए दिव्य तपस्या करनी पड़ेगी यही मत महाप्रभु भक्तगण संगे नीला चले वास कृष्ण प्रेम रंगे और इस तरह अपने निजी भक्तों के साथ सदैव कृष्ण प्रेम में निमग्न ये है इनका दिव्य प्रेम का स्त्रोत कृष्ण प्रेम में निमग्न कृष्ण प्रेम के डेफिनेशन है आ, प्रेम का डेफिनेशन क्या है प्रेम का डेफिनेशन हमने बताया ददाती भूय्या भुगते जय विधि प्रीति लक्षण ये प्रीति के लक्षण है प्रेम के लक्षण है तो इसमें हम क्या करते हैं हम प्रसाद ग्रहण करते हैं और भगवान को भोग लगाते हैं भक्तों को प्रसाद देते हैं ददाती गणती भूगते भूगते तो ददाती गणती में क्या है हम देते हैं उपहार और उपहार स्वीकार करते क्यों करते हैं उपहार क्यों देते हैं क्योंकि इसने भी मुझे दिया था इसने मुझे डेढ़ हज़ार का दिया था तो मुझे भी डेढ़ हज़ार को देना ही पड़ेगा हम आउट ऑफ लव देते हैं और उसके लिए जरूरी नहीं हम वेट करते हैं कि इसका जन्मदिन कब आएगा तो टिक लग जाएगा एक जन्मदिन में देने का जब हमें लगता है कि ज़रूरत है सामने तो हम उस वक्त उपहार देते हैं उपहार जरूरी नहीं महंगा हो उपहार हृदय से होना चाहिए प्रेम से दिया जाना चाहिए वैसे हम भगवान को उपहार देते हैं जब हम भोग लगाएं तो इस हृदय से लगाएं लगाएंग लव या कोई भी चीज अर्पित करें जीवन अर्पित करें समय अर्पित करें श्रम अर्पित करें तो ये भावना ये प्रीति के लक्षण है खाना खिलाना जैसा भी हमने चर्चा करी और हृदय की बात करना हृदय की बात सुनना हम भगवान से प्रार्थनाएं है करते हैं प्रार्थनाएं है हमारी हृदय की बातें और भगवान हमें अनुभूतियाँ देते हैं ये भी हृदय की बात है वैसे हम भक्तों के साथ हृदय की बात करते हैं वो हृदय की बात किसी की निंदा नहीं हो सकती मेरे हृदय में निंदा भरी आइए सुनिए हृदय की बात करते हैं प्रीति के लक्षण है दोनों बैठ के हृदय की बात करेंगे निंदा करेंगे ऐसा नहीं करना है ऐसा आपने सुना अभी इतने लेक्चरों में पिछले तो इसलिए बैठ के क्या करना है प्रीति लक्षण प्रीति लक्षण निंदा लक्षण से कैसे आगे बढ़ सकता है किसी की निंदा करने से प्रीति कहीं और नहीं बढ़ सकती हुँ? हम दूसरों की निंदा करेंगे तो हम दोनों की प्रीति बढ़ेगी ये दिव्य नहीं रहा फिर दिव्य नहीं रहा दिव्य जो कृष्ण को अनुकूल है ना कृष्णानु कृष्ण क्रिष्न को जो प्लीजिंग होगा यही होगा जब हम टॉलरेट करते हैं हर चीज को और केवल गुण का गान करते हैं तो इस प्रकार क्या होगा जब बैठ के गुणगान करेंगे भगवान का भक्तों का तो क्या होगा प्रीति के लक्षण है वृद्धि होगी भगवान के साथ हुँ? तो इसलिए अपने निजी भक्तों के साथ सदैव कृष्ण प्रेम में निमग्न चैतन्य महाप्रभु नीलाचल में रहे अंतरे बाहरी व रहे कृष्ण विरह तरंग नाना भावे व्याकुल प्रभुर मनार श्री चैतन्य महाप्रभु सदैव बाहर तथा भीतर से कृष्ण की तरंगों का अनुभव करते रहते थे ये बहुत सुखदा ही सुखदायी है इसलिए ये प्रेम सर्वोपरि प्रेम माना गया विरह का प्रेम क्योंकि इसमें जो आ, मिलने की जो इच्छा होती है वो सर्वाधिक होती है जब हम विरह में होते हैं हम अक्सर विरह में कब होते हैं जब हम किसी ना किसी दायित्व को पूरा कर रहे होते हैं सेवा कर रहे होते हैं हुँ? तो हम सेवा कर रहे हैं और सेवा करने के बाद हम फिर से मिल रहे हैं लेकिन अभी हम अपने दायित्व पूरा कर रहे हैं है ना भक्त लोग अभी प्रचार करने निकले हैं अलग अलग जगह गए हैं क्लासेस में गए हैं कुछ चल रहा है ये सेवा चल रही है फिर एक साथ मिलते हैं हाँ उसका आनंद है हमेशा एक साथ रहने से भी समस्या हो जाती है ना इसलिए सेवाओं में जाना अपने अपने दायित्वों को पूरा करना बड़ा जरूरी है कृष्ण भावना में उसमें निकलना तो हम लोग प्रचार करते हैं पुस्तक वितरण करते हैं धन कलेक्ट करते हैं या प्रीचिंग करते हैं या संकीर्तन करते हैं या प्रसाद वितरण करते हैं उसमें निकलते हैं और फिर एक साथ भी आते हैं तो एक साथ मिलना भी प्रीति का लक्षण है तो इस प्रकार से ये दायित्व तो पूरा करते हैं मिलते हैं तो उसमें बड़ा आनंद आता है कृष्ण वियोग की तरंगें इसी प्रकार से बनती हैं उसी प्रकार धीरे धीरे हम कृष्ण के लिए इतना कुछ करते हैं फिर भगवान की कभी कभी हम बीच में ठहर के रुक के आरती करते हैं दर्शन करते हैं हाँ अब ये मिलन हो रहा है हमारा इस प्रकार से मिलन मिलन तो सभी है नाम में भी मिलन है लेकिन इस प्रकार से हम दर्शन करते हैं फिर पूरे दिन कुछ कुछ करते हैं फिर भगवान के सामने खड़े जाते हैं हुँ? या फिर नाम जपने बैठ जाते हैं अब फोकस करेंगे नाम जप पे उसके बाद पूरे दिन कुछ सेवाएं करेंगे सेवाएं करेंगे फिर फोकस करेंगे नाम जप पे हाँ तो इस प्रकार से हाँ कृष्ण वियोग की तरंगों का धीरे धीरे ये बढ़ोतरी इसमें होती है और ये असली आनंद है वास्तव जब हमें ये सेपरेशन महसूस होने लग जाए ये बेचैनी से महसूस होने लग जाए तो इसका मतलब अब सो सही चल रहा है हुँ? इतना हमारी लालसा बढ़ जाए भगवान के नाम के लिए उनके दर्शन के लिए उनकी कथा के लिए भक्तों से मिलने के लिए जितना ये बढ़ेगा समझ लीजिए उतना सही चल रहा है अंदर हिसाब के किताब उनका मन तथा उनके शरीर जो है सदैव विभिन्न आध्यात्मिक विकारों से क्षुब्ध रहता था विकार होते रहते थे रोना आ जाता था रोना इसलिए हमारी परंपरा में बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है रोना से कि आप रोते क्यों हैं बोलते बोलते आपको रोना क्यों आ जाता है ये सिम्टम है प्रेम के हम चैतन्य चरिता में अक्सर यही देखते हैं और यही पढ़ते हैं अब अगर कोई दिखावा कर रहा हो तो तो हो सकता है दिखावा कर रहा हो तो ये उसकी प्रॉब्लम है लेकिन हो सकता है कोई ऐसे भाव लाने की प्रयास कर रहा हो प्रयास करने को दिखावा नहीं कहते दिखावा तब कहते हैं जब मन में भावनाएं दूषित हैं और हम दिखा कुछ और रहे फॉर एग्जाम्पल हम लोग जप करने का दिखावा करते हैं अगर हम ऐसा बोले तो क्योंकि जब करने का मन तो है नहीं क्यों तो क्या इसको दिखावा कहा जाएगा इसको दिखावा नहीं कहते हैं इसको प्रयास कहते हैं क्योंकि जब करने का मन भी है जब करने का दिखावा होगा कि मैंने थैले में हाथ डाल रखा है और मेरी उंगली नहीं ऐसी बस हाथ डाल रखा है जैसे कई बार कोई बच्चे पकड़ लेते हैं कर नहीं रहे जब ये हो गया जब करने का दिखावा लेकिन मैं जब करने बैठा हूँ लेकिन मन नहीं लग रहा है फिर भी मैं बैठा हूँ गया ये दिखावा ही तो होगा मन कहाँ कर रहा है आपका जब करने का ये दिखावा नहीं है इसको प्रयास कहते हैं भगवान इसी प्रयास से प्रसन्न होते हैं जितना प्रयास है उतना भगवान प्रसन्न होते हैं इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि हमारे अश्रु अभी हमारे आंखों में आए लेकिन अगर हम प्रयास भी कर रहे हैं तो भी भगवान प्रसन्न है इसलिए अलग लोगों अलग लोगों की अलग अलग स्थितियाँ हो सकती हैं किसी व्यक्ति को यदि रुदन आता है तो भक्ति के हिसाब से तो ये अच्छी बात है अगर नेचुरली आता है तो नहीं आता है तो आदमी चिंतन कर रहा है इस प्रकार से हाँ जब किसी की मृत्यु होती है तो कई लोगों को नेचुरली रोना आ जाता है और कई लोग जब सब लोगों को देखते हैं तो रोने लगता है सबको याद आने लगता है तो उसको दिखावा नहीं कहा जा सकता हाँ लेकिन कुछ लोग दिखावे के लिए रोते हैं लेकिन उनसे हमें क्या मतलब है हम क्या जाने कि दिखावा है क्या क्या है और हमें मतलब भी क्या है इस चीज़ से हम तो ये सोचेंगे मुझे रोना क्यों नहीं आ रहा अब तक मेरा हृदय इतना क्यों कठोर है यही हमारे शास्त्र कहते हैं कि यदि हमें जब करते हुए भक्ति करते हुए भक्तों के बारे में सुन के बोल के इन सब कार्यों में रोना नहीं आता है तो हमारा हृदय पत्थर जैसा है इसका मतलब तो लेट्स वर्क ऑन इट कैसे वर्क क्यों ये इतना पत्थर जैसा हो गया है हुँ? इसको खुद तो नहीं आ रहा है लेकिन फिर दूसरों को देख के भी कहता है कि रोना क्यों आ रहा है आपको जैसे कि आ, अभी हमने सुना रामचंद्रपुरी अपने गुरु को कहते हैं रो, रो क्यों रहे हो रोते क्यों रोना रोना धोना चलता रहता है वो रो रहे हैं भगवान के वियोग में और उनका शिष्य उन्हें बोला है कि रो क्यों रहे हो तुम तो।, तो दो समस्याएं एक तो शिष्य ज्ञान दे रहा है गुरु को दूसरा हम जानते नहीं है कि अगर इक्वल्स भी या नीचे वाले को भी आप बोल रहे हैं तो यू नेवर नो कि किसके अंदर क्या भाव है वास्तव में इसलिए क्यों उन चक्कर में पड़ के अपने हृदय को कठोर बनाया जाए इस प्रोसेस में हमारा हृदय कठोर बन जाता है और हमारे को कभी रोना नहीं आता उसके बाद जीवन में तो ये जो है दिव्य आनंद का एक हिस्सा है रोना आप कितनी राधा रानी की फोटो में देखेंगे कृष्ण की फोटो में रो रहे हैं दोनों रो रहे हैं भगवान का भी रो सकते हैं वो प्रेम के आंसू प्रेम के आंसू मिलकर बनते हैं मान सरोवर जिस सरोवर में नहा के या आचमन करके हम लोग सोचते हैं हमें हम पवित्र हो गए वो राधा रानी के आंसुओं से बना मानसरोवर आज भी वृंदावन में है आ रोने से बना सरोवर कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है रोना कि उसमें जाके लोग अब स्नान करते हैं क्योंकि उनके आंसुओं से बना है तो ये जो है ये दिव्य आनंद है वास्तव में जो कि हृदय जितना सरल तरल उतना अधिक इसका अनुभव होगा तो ऐसे अनेक अनेक विकारों से महाप्रभु और उनके भक्तों का लक्षण रहते थे दिने नृत्य कीर्तन जगन्नाथ दर्शन रात्रे राय स्वरूप सने रस आस्वादन दिन में वो कीर्तन करते नृत्य करते और मंदिर में भगवान जगन्नाथ का दर्शन करते रात में वो रामानंद राय तथा स्वरूप दामोदर के साथ दिव्य आनंद का आस्वादन करते बट इफ यू कैन डू इट कंसिस्टेंटली देन इट इज नॉट अ प्रॉब्लम जनरली हम लोग भी कहते हैं ये देखिए कितना बढ़िया लिखा है आप लोग रात को नहीं करते हो कुछ भी अभी अभी न्यू ईयर निकला है रात भर कीर्तन किया जाए रात भर कीर्तन करने के बाद यहां पर यह बोला कि दिन में वो कीर्तन नित्य भगवान के दर्शन करते थे रात भर कीर्तन करके सवेरे अगले दिन पड़े नहीं रहते थे ये हमारी समस्या है हम रात में करना चाहते हैं क्योंकि हम लोग निशाचर रहे भक्ति मानने से पहले मैं अपनी बात करूं तो दिन ही रात को शुरू होता था इसलिए कई बार मिस करते हैं उसको रात की पार्टीज को शादियों में लोग आजकल धीरे धीरे टाइम में मेरे जीवन में ही देखते देखते छः से सात सात से आठ आठ से नौ नौ से दस दस से ग्यारह होता जा रहा है टाइम नीचे जाता जा रहा है बिल्कुल रात्रि जब घोर रात्रि होगी शहरों की गलियों में जब अंधेरा छाता है तब एक चोर निकलता है सारे चोर निकलते हैं तो चोर तभी तो निकलते हैं जब अंधेरा होता है चारे चोर पहुँचते हैं एक चमचमाती जगह में हाँ वहां पे लाइन से इंद्र तृप्ति का भंडार होता है सब लोग खाते हैं पीते हैं आनंद लेते हैं दूल्हे राजा भी अब ग्यारह बारह बजे पहुँचते हैं स्वयं या वरमाला जो है बारह एक बजे हो जाती है हाँ तो इस प्रकार से ये जो रात का मजा है ये अलग ही मजा है जिसको हम मिस करते हैं तो इसलिए कई बार हम बोलते हैं क्यों नहीं किया जाए ये चीज़ उन लोगों के लिए बहुत प्रचार कार्य के लिए अच्छा है नए लोग हैं उनको रात में जगना आता है तो कई भक्त एक्सटेंड करते हैं अपने आप को और रात में कीर्तन करते हैं आओ बैठो दोस्तों नाचो यहाँ पर नाच के अपने पापों को कम करो तो ये भक्तों की करुणा है कि वो रात में भी ऐसे प्रोग्राम का आयोजन करते हैं वेरी मर्सीफुल और हम भी यदि अगले दिन मॉर्निंग में उठ के सारे काम कर सकें तो दिस इज गुड कि रात्रि भी किया दिन भी किया लेकिन यदि हम ऐसा नहीं कर सकते तो व्हाट इज बेटर दिन का भजन कीर्तन या रात का भजन कीर्तन क्या हम इसको सस्टेनेबली कर पाएंगे या हम क्रैश हो जाएंगे थोड़े दिनों में और फिर कुछ भी नहीं कर पाएंगे इसलिए क्योंकि हमारी कैपेसिटी लिमिटेड है और दूसरों की हो सकता है फिर दूसरों को नहीं देख सकते आप क्योंकि उनकी कैपेसिटी ज्यादा होगी शिला रात को ग्रंथ लिखते थे शांति में एकदम लेकिन क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं कंटिन्यूसली हम ऐसा नहीं कर सकते इसलिए क्यों ना जीवन को अनुशासित किया जाए नाइट इज फॉर स्लीपिंग मंगल आरती चैत्र शिल प्रुपात ने रात्रि जागरण के लिए नहीं बोला है जितना कि मंगल आरती के लिए बोला है मॉर्निंग साधना के लिए बोला है वो हमें ध्यान नहीं रहता फिर हम कहते हैं जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय शिल प्रूपात क्या आचार्य यही हमने चर्चा करी थी क्या उन्होंने बोला क्या उस पर कोई कंसंट्रेशन नहीं है आउट ऑफ इमोशंस आउट ऑफ ओल्ड हैबिट्स हम वो करना चाहते हैं जिसमें हमें मज़ा आता है इसलिए हम रात्रि जागरण करेंगे रात्रि जागरण करके हम कुछ करेंगे मजे करेंगे शायद संकीर्तन भी क्यों ना करें तो ये नए लोगों के लिए मुझे लगता है प्रचार का लिए बहुत अच्छा तरीका है बट फॉर ओल्ड डिवोटीज और वो डिवोटी जो इतना एक्सटेंड नहीं कर पाते जो एक्सटेंड करते हैं हमने ऐसे डिबोटी को देखा है ऑलरेडी जो दिन में भी पूरा लगे पड़े रात में भी लगे पड़े अगले दिन फिर लगे पड़े हैं तो वो तो दिव्य आनंद के स्थित पर पहुँच गए बट क्या हम ऐसे हैं ये तो मैं नहीं जानता आप में से वैसे हो सकता है कुछ लोग ऐसी ही अवस्था में हो बट जो नहीं है एटलीस्ट जो अपने आप को इस अवस्था में नहीं मानते हैं उन लोगों के लिए अपने जीवन को अनुशासित करना बड़ा ज़रूरी है आप देख लेना नहीं तो मतलब क्यों भगवान श्लोक लिखते हैं युक्त हारस्ते हारस्ते है हैं रूल बना दिया मिलिट्री की तरह इसलिए साधना नहीं बढ़ता प्रभु जी भरूंगा तो आपका देखो सो घबरा <laughs> तो पब्लिश कर दोगे रिजल्ट सारा सबके सामने बेजती हो जाएगी हमारी ऐसा प्रपोजल है तो हम आपका नाम हटा के आपको पर्सनली भेजना शुरू कर सकते हैं बट देट्स यहाँ पर कुछ छुपा नहीं है हमें इसमें कुछ भी शर्माना नहीं चाहिए इन चीज़ों में क्योंकि तो हम एक दूसरे को इनकेज करना चाहते हैं तो इसलिए नियम के बिना सोने में उठने में खाने में हमारी भक्ति कंसिस्टेंटली नहीं चल पाएगी आप इसको अपना के देख लीजिए जो लोग ऐसा कर रहे हैं जो नहीं मान रहे हैं उसको थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए पिछले छः महीने में एक साल में दो साल में वटैवर क्या आपकी भक्ति कंसिस्टेंट है कैसे पता चलेगा कि आपकी माला एकदम नियमित समय पर ख़त्म होती है मॉर्निंग में खत्म हो पाती है जिसके लिए आचार्यों ने बोला है वेकअपरलियन कैटराउंड डन सूत्रा भक्ति में बढ़ने का चाहे हो रहा है क्या मेरी सेवाएं कंसिस्टेंट चल रही हैं उनमें उतार चढ़ाव है क्या hmm? मेरे भावों में उतार चढ़ाव है या वो कंसिस्टेंट है hmm? ऐसे करके आप चाहेंगे हाँ तो आपको लगेगा हाँ कुछ अपने आप आपने कुछ देखना पड़ेगा हाँ कुछ समस्या है लेकिन हम इल्यूजन में कब तक जीना चाहेंगे इसलिए हमें समझना पड़ेगा hmm? कि हम कैसे दिन को नियमित करें अपनी आदतों को नियमित करें अपने आप को बांधें बिना बांधे फ्री रह के हम फ्री नहीं हो पाएंगे जब हम फ्री रहना चाहते हैं ना तो कोई रोक हो ना कोई टोक हो किसी भी चीज की ठीक है इसलिए चैतन्य महाप्रभु दिन में कीर्तन करते थे कीर्तन दर्शन इत्यादि और रात में रामानंद राय और स्वरूप दामोदर के साथ दिव्य आनंद का आस्वादन करते थे ऐसा वो हमेशा ही करते थे त्रिजगतेर लोकासि करिन दर्शन यही देखे से ही पाए कृष्ण प्रेम धन तीनों लोगों से लोग श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने आते थे जो भी उन्हें देखता वह कृष्ण प्रेम का दिव्य धन प्राप्त करता था hmm. वैश्य देव गंधर्व किन्नर सप्त पाता लेर यत दैत्य विषधर सातों उच्चतर लोगों के निवासी जिनमें देवता गंधर्व किन्नर सम्मिलित थे तथा सातों अधोलोक के निवासी आ, जिस जिन में असुर तथा सर्व सम्मिलित थे मनुष्य के वेश में श्री चैतन्य महापुरुष का दर्शन करने आते थे दर्शन और पवित्र करी यही तुम्हारे गुण चैतन्य महापुरुष के दर्शन किस लिए करने आते थे हाँ पवित्र होने के लिए ऐसे भाव से हमें भगवान के दर्शन श्रवण कीर्तन करना चाहिए पवित्र कौन होता है जो दूषित होता है तो पहले ये मानना पड़ेगा कि मैं दूषित हूँ फिर आदमी ये सोच कर दवाई लेगा कि मैं बीमार हूँ जो व्यक्ति को होता है मैं बीमार नहीं हूँ अक्सर क्या करता है वो जबरदस्ती कोई एंटीबायोटिक खिला देता है एक दो खादी उसके बाद छोड़ देता है हुं? ये उसके लक्षण है जिसको लगता है बहुत संकट बहुत समस्या अरे बाप इतनी बड़ी बीमारी है तब वो खाता है रेगुलरली तो जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि हम दूषित हैं बीमार हैं तब तक हम रेगुलरली नहीं कर पाएंगे सप्तः नवखंडे वैसे यत जन नाना वेशे यासी करे प्रभु द्वीप तथा नौ खंडों से लोग विभिन्न वेशों में श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने आते थे प्रहलाद बलि व्यास शुक आदि मुनिगण आसी प्रभु देखी प्रेम हया अचेतन प्रहलाद महाराज बलि महाराज व्यासदेव सुखदेव गोस्वामी और बड़े बड़े मुनि श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने आते थे भिन्न भिन्न रूपों में और उनके दर्शन पाकर प्रेम में अचेत हो जाते थे इतना बड़ा आदमी व्यासदेव व्यासदेव आके अचेत होने अच्छा लगेगा बेहोश होता हुआ आदमी कैसा लगता है तो इसलिए कह रहे थे ये भक्ति संप्रदाय है एक्चुअली हमारा जो प्रोसेस है भक्तिमय है यहाँ पे रोना अचेत हो जाना ये भाव के एकदम पराकाष्ठाए हैं या व्यक्ति शुद्धतम में जाता है इसलिए यदि हमारे अंदर आ रही है तो अच्छा है यदि हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं तो अच्छा है यदि कोई ऐसा कर पा रहा है छोटा सा तो उसको अप्रिशिएट करना है ना कि उसको डेप्रिशिएट कर देना है यस आपके अंदर ये भाव आ पाए मेरे अंदर नहीं आ रहे रेदर देन से आप ढोंगी हो तो इस प्रकार से तो यहाँ पर ये क्या है व्यासदेव आ रहे हैं बलि महाराज आ रहे हैं सुखदेव गोस्वामी आ रहे हैं प्रहलाद आ रहे हैं और कृष्ण प्रेम में अचेत हो जा रहे, है। कह रहे हैं कि कुछ इतिहासवादियों के अनुमत अनुसार प्रहलाद महाराज त्रेता युग में पंजाब प्रांत के मुल्तान नामक स्थान में उत्पन्न हुए उनका जन्म कश्यप वंश के राजा हिरण्य कश्यप के घर पे हुआ और प्रहलाद महाराज भगवान विष्णु के महान भक्त थे किंतु उनके पिता विष्णु का कट्टर विरोधी था इस तरह पिता तथा पुत्र की चेतना में अंतर था इसलिए असुर पिता प्रहलाद को तरह तरह की शारीरिक यात्राएं देता था जब यातना असहनीय हो गई तो परम भगवान नरसिंह देव के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने महान असुर हिरण्य कश्यप का वध किया बलि महाराज बलि महाराज प्रहलाद के पर पौत्र थे पौत्र थे हुँ? और प्रहलाद महाराज के पुत्र का नाम विरोचन था और विरोचन के पुत्र हुए बलि नाम वामन के रूप में प्रकट होकर भगवान ने बलि महाराज के से तीन पग भूमि मांगकर तीनों लोगों पर अधिकार जमा लिया इस तरह बलि महाराज वामन के महान भक्त बने बलि महाराज के एक सौ पुत्र थे जिनमें महाराज बाण श्रेष्ठतम थे और अत्यंत प्रसिद्ध प्रसिद थे व्यासदेव व्यासदेव महर्षि पराशर के पुत्र थे व्यासदेव के और नाम है कृष्ण बादरायण मुनि वेदों के अधिकारी विद्वान होने के कारण उन्होंने मूल वेद की सुख सुगमता से चार विभागों में बांटा साम यजु ऋग तथा अथर्व वे अठारह पुराणों तथा ब्रह्मसूत्र एवं उसकी स्वाभाविक टीका श्रीमदभागवत के लेखक हैं वे ब्रह्म संप्रदाय से संबंधित हैं और नारद मुनि के प्रत्यक्ष शिष्य हैं सुखदेव गोस्वामी व्यासदेव के पुत्र हैं वे ब्रह्म साक्षात्कार को प्राप्त ब्रह्मचारी थे किंतु बाद में वे भगवान कृष्ण के महान भक्त बन गए उन्होंने महाराज परीक्षित की श्रीमद भागवत सुनाई सुनाई तो ये सब लोग वहां पर आते थे चैतन्य महाप्रु का दर्शन करते थे और अचेत होने लगते थे क्योंकि बड़ा अद्भुत दर्शन था ये क्योंकि इतने वदान्याय रूप कभी नहीं हुआ था इससे पहले हाँ ऐसे भगवान जो रुदन में लगे रहते हो नृत्य करते रहते हो इतना भाव में भगवान को किसने देखा है बताइए कृष्ण को भी हम कृष्ण की गोपियों के साथ रासलीला बड़ी सीक्रेट लीला है नोबड़ी इज अलाउड टू एंटर इन रास लीला कोई देख नहीं सकता है उसको शिव जी जैसे लोगों को भी एंट्री नहीं मिलती है तो कैसे ये लोग उसको देख पाएंगे लेकिन यहाँ वहाप्रभु नृत्य कर रहे हैं अद्भुत नृत्य कर रहे हैं वैसा और इसको देखने के लिए कोई रुकावट नहीं है सोचिए जरा श्रीवास आंगन में रात्रि में ही ये नृत्य नहीं होता था ये नृत्य पब्लिकली रथ यात्राओं में इत्यादि में होता था तो गोपी के गोपियों के साथ भगवान का नृत्य तो हम कोई नहीं देख पाया लेकिन ये महाप्रभु का नृत्य इनका भक्तिमय कार्य देखने के लिए देवता बड़े बड़े भगवान के भक्त आते थे और देख के अचेत हो जाते थे ये इसलिए उनको महावधाने उन्होंने लुटाया बेसिकली कृष्ण प्रेम को इसको बिल्कुल पब्लिक कर दिया पब्लिक शो बना दिया जो एलिजिबल नहीं है उनको भी दिखा दिया इसलिए इनका जो अवतार है बहुत ही विशेष है इसलिए शिलापुरबा अक्षर बोलते हैं कि किसी भी उत्सव में किसी भी कीर्तन में किसी भी जगह जब हम कोई भक्त को शुरू करें तो पहले पंच तत्व मंत्र ज़रूर बोलना चाहिए पंच तत्व को ज़रूर हमें उनका आह्वान करना चाहिए क्योंकि वही सबसे दयालु हैं और हमारी हमारे आपसे गलतियाँ तो हमसे होती हैं वो हमारी गलतियों को क्षमा करते हैं इसलिए हम जप करने से पहले भी पंचतत्व मंत्र बोलते हैं कुछ भी कार्यक्रम को करने से पहले भी पंचतत्व मंत्र बोला जाए गौर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी स्पेशल ब्रस्ट और उनका पूजा करने का सबसे बढ़िया विधि है प्रोपात कहते हैं कि उनका चित्र लगाया जाए और हरिनाम निकाला जाए ये है उनकी पूजा का तरीका हरिनाम को जगह जगह निकाला जाए उनके चित्र के साथ या विग्रह के साथ इज़ द बेस्ट यही युग धर्म है यही पूजा करने की सर्वश्रेष्ठ विधि है तो उस वक्त तो उनके चित्र या विग्रह नहीं होते थे वो साक्षात चलते थे और पीछे पीछे कीर्तन हुआ करता था और इसको देखने के लिए कौन कौन कहाँ कहाँ से आता था आपने सुना था चांद काजी के एपिसोड में कि पता नहीं कितने खरब कितने लोग वहाँ पे चांद काजी के प्रोसेशन में चल पड़े इतने लोग थे नहीं नदियाँ में जितने आ गए तो सारे देवता उस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए नाच करने के लिए साथ साथ आ गए ऐसा ही हमें करना चाहिए हमें हरी नाम संकीर्तनों ना में भाग लेना चाहिए खूब जोर से अगर हमें चैतन्य महाप्रु की कृपा चाहिए तो हरे कृष्ण शिल प्रपात की जाए श्री चैतन्य चरितम की जाए श्री कृष्ण राज कविराज की जाए